नमस्कार, आज हम आपको बताएंगे कि फ्लूरेसेंट ट्यूबलाइट के साथ में लगने वाली मैग्नेटिक चोक के क्या काम होते हैं। ये ट्यूबलाइट का कनेक्शन डायग्राम है, ये एसी सप्लाई है, ये स्विच है इसको ऑन करने के लिए, ये मैग्नेटिक चोक है जिसको मैग्नेटिक बैलेंस भी बोलते हैं। दो लाइन का मतलब है ये आयरन कोर है, ये ट्यूबलाइट है और ये पूरा स्टार्टर है। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था स्टार्टर के बारे में, आप उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद ये देखें तो आपको इसका फंक्शन ज़्यादा समझ में आएगा। उस वीडियो में हमने स्टार्टर के वोल्टेज और करंट वेव शेप भी समझाए थे, तो आप उसको पहले अवश्य देखें। अब हम चोक के तीन फंक्शंस के बारे में आपको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। इस चोक का पहला काम है इस स्टार्टर के बाईमेटल कॉन्टेक्ट में बहने वाली करंट को लिमिट करना। शुरू में जब ये स्विच हम ऑन करते हैं तो ये दोनों कॉन्टैक्ट बाईमेटल कॉन्टैक्ट गर्म होकर शॉर्ट हो जाते हैं दोनों, तो करंट ऐसे बहती है। उसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगी अगर ये ना हो तो चोक का पहला काम होता है जब ये शॉर्ट हो जाए तो उसमें करंट को लिमिट करना। इस चोक का दूसरा काम है ये चोक और स्टार्टर मिलकर के शुरू में जब ये स्विच हम ऑन करते हैं तो ट्यूबलाइट के अक्रॉस हाई वोल्टेज पैदा करते हैं। ये वाला क्या होता है कि हाई वोल्टेज से ट्यूबलाइट के अंदर की गैस आयोनाइज हो जाती है और ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है। इस चोक का तीसरा काम है ट्यूबलाइट में बहने वाली करंट और वोल्टेज को लिमिट करना। जब ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है तो इसमें जो करंट बहती है और जो इसके क्रॉस वोल्टेज होता है उसको ये लिमिट करता है। तो इस तरह हमने आपको तीन फंक्शन बताए। पहला बताया कि इसमें बहने वाली करंट को लिमिट करना, फिर दूसरा काम था ट्यूबलाइट के क्रॉस हाई वोल्टेज पैदा करना, और तीसरा है ट्यूबलाइट जब ऑन हो जाती है तो इसमें बहने वाली करंट और इसके क्रॉस वोल्टेज को लिमिट करना। ये तीनों काम सीक्वेंस में होते हैं, पहला काम पहले होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक एक करके होते हैं। अब आज यही समाप्त करते हैं।